अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जॉब्स एंड जी के पाकिस्तान की जानिब से एक और जॉब अपडेट लेकर हाजिर हूँ। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आर्मी की असामियां बराए आर टी ई स्टाफ। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अप टू डेट रहने के लिए साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। चलें अब आ जाते हैं जॉब की तरफ। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज आर्मी की तरफ से रीजन्स कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, मंगला, मुल्तान, गुजरांवाला, भावलपुर वगैरह में RTE स्टाफ BPS 1-7 BPS स्केल होगा 1 से लेकर 7 की भर्ती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले उम्मीदवार से दर्ज ज़ैल असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि असामियों के ढेर लगे हैं, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, ढेर किस्म की 31 किस्म के मुख्तलिफ असामियाँ हैं। सबसे पहली पे आ जाते हैं तो सबसे पहली है चार्ज हैंड ई एंड एम ग्रेड 1, इनको BPS 7 दिया जा रहा है। चार्ज एंड बी एंड ग्रेड आर इन आर ग्रेड 1, इनको BPS 7 दिया जा रहा है। चार्ज एंड ई एंड एम ग्रेड 2, इनको BPS 6 दिया जा रहा है। चार्ज एंड बी एंड ग्रेड आर 2, इनको BPS 6 दिया जा रहा है। AC रेफ्रिजरेटर मकैनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, DC एंड RM इलेक्ट्रीशियन, फिटर मकैनिक, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, लिफ्ट मकैनिक, लिफ्ट ऑपरेटर, लाइन मैन, मीटर रीडर, इंजन ऑयल ड्राइवर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, इनको BPS 6 दिया जा रहा है। फर्दर 17 नंबर पोस्ट पे आते हैं, सुई गैस फिटर, पेट्रोल मकैनिक, वेल्डर, इनको BPS 6 दिया जा रहा है। कंप्लेनेट रिसीवर, इनको BPS 5 दिया जा रहा है। बॉयलर अटेंडेंट BPS 4 दिया जा रहा है। कारपेंटर, गीजर, मोटर पंप अटेंडेंट, मेसन, एम्प्टी ड्राइवर, पेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इनको BPS 4 दिया जा रहा है। इसके बाद लेबर और सेंट्री वर्कर, इनको BPS 1 दिया जा रहा है। मुख्तलिफ रीजन में दरकार असामियों की तफसील, अहलियत, तजर्बा, दरख्वास्त का तरीका कार और दीगर शरात व ज़वाबित पेपरा की वेबसाइट इस वेबसाइट पर गिवन है। और सबसे ज़रूरी बात कि दरख्वास्त भिजवाने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2018 है। तो इस तरह करते हैं कि हम इसकी इस वेबसाइट पे खोलते हैं, ये वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ से आगे लिंक ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तमाम डिटेल्स लिखी हैं। सबसे पहले ये देखिए, चार्ज हैंड ई एंड एम ग्रेड 1, इनको BPS 7 दे रहे हैं। मकाम रीजन तमाम गिवन है, मंगला, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला। मतलब काबिलियत स्लैश तजर्बा, ये दोनों देख लें। काबिलियत में मैट्रिक है, किसी तस्लीमशुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2 साल कोर्स, बामा जॉब का 1 साल तजर्बा, ताहम बॉबडा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मारूफ फर्म में इसी किस्म की जॉब के 3 साल तजर्बे के हामिल उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। सेम चीज़ चार्ज हैंड बी एंड आर ग्रेड 1 के लिए है, तमाम चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो ये PDF फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके तसल्ली से सारा कुछ दोबारा से पढ़ सकते हैं। नीचे आते हैं तो AC रेफ्रिजरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए मैट्रिक एजुकेशन है, किसी तस्लीमशुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ऑटो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है, 1 साल कोर्स, मामा जॉब, 1 साल तजर्बा। उसके बाद नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रीशियन है, उनके साथ भी यही है, तजर्बा है, किसी तस्लीमशुदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है। अभी नीचे आते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर, लाइन मैन, मीटर रीडर, ऑयल इंजन ड्राइवर, इन तमाम के लिए सारी वही शराइत ज़वाबित हैं, बस रीजन में फ़र्क हो सकता है। जैसे पेट्रोल मकैनिक में सिर्फ मुल्तान रीजन के लिए अवेलेबल है। नीचे वेल्डर है, कंपोनेंट रिसीवर, मैट्रिक, किसी तस्लीमशुदा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टेलीफोन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या 1 साल कोर्स, बामा जॉब, मतर्जमा। नीचे कारपेंटर आ जाते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स, तजर्बा,
और एक साल जॉब। मोटर पंप अटेंडेंट के लिए भी यही बात है, नीचे मैसन, एमटी, ड्राइवर, पेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर। नीचे सेंट्री वर्कर पे आ गया, उनको बी पी एस वन दिए जा रहा है। उनके लिए तालीम सिर्फ प्राइमरी पास है, मंगला रीजन, ये तमाम यहाँ पे दर्ज हैं। तमाम असामी के लिए उम्र की मुकर्रर हद 18 साल से लेकर 30 साल तक है। तहम हुकूमत की जारी करदा हदायत की रोशनी में दर्ज तरीके से राय दी जा सकती है। जिन जिन कैटेगरीज को राय दी जा सकती है, चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर अलिफ, नंबर शुमार अलिफ, वफाकी हुकूमत के तहत असामियों के लिए शेड्यूल अकाउंट्स, बुद्ध मज़हब, कबायली इलाकों के मुस्तनद कबायल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के उम्मीदवारान के लिए 3 साल की राय दी जाएगी। वफाकी हुकूमत के तहत बी पी एस 7 और इसके ज़ेरी असामियों के लिए सिंध, दही और बलूचिस्तान के उम्मीदवारान के लिए 3 साल की रायत है। सलाह फौज रिटायर्ड होंगे, उनको 15 साल की है। दरख्वास्तें वसूल करने के आखिरी 2 साल तक मुलाजमत करने वालों के लिए 10 साल। बी पी एस 7 या सिजरी असामी पर मजदूर अफराद के लिए 10 और बेवा कान या मुलाजमत के दौरान फौजशुदा मुलाजम का बेटा या बेटी, उसके लिए 5 साल की रियायत है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तहान इंटरव्यू के लिए नीचे दिए गए पैरा में, नीचे दिए गए एक पैरा है जिसमें 10 पैर नंबर 10 में 10 जो उनके रीजन है उसके चीफ इंजीनियर के नाम है, उनका नाम लिखना है अपनी दरख्वास्त पर। नीचे ऑप्शन में दरख्वास्त का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, एक खाना बना उसमें ये लिखना है। ये तमाम असामियाँ पूरे पाकिस्तान, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान है, आपको पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ज़्यादा तालीम या टेक्निकल क्वालिफिकेशन में महारत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। सरकारी या नीम सरकारी महकमों इदारों से मारूफ फर्मों में मुतलक तजर्बा का तस्दीकशुदा सर्टिफिकेट मुतलक ज़रूर। तमाम उम्मीदवारों को दरख्वास्तों के साथ 100 रुपये का पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट भी जमा करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब पैरा नंबर 10 पे आते हैं तो सबसे पहले दरख्वास्त मंदरजेल दफातर में से किसी एक को 10 अक्टूबर 2018 तक रजिस्टर्ड डाक के तहत पहुँचाई जाएंगी। तखिर से फसल होने की दरख्वास्तों पर ज़ेर गौर नहीं लाएंगे। तमाम ये जो रीजन हैं इनके एडिशनल चीफ इंजीनियर के एड्रेस पर भेजने हैं। मुंतखब शुदा उम्मीदवार को किसी भी स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है। बराए करम बवक्त इंटरव्यू अपनी असली तालीमी सर्टिफिकेटों में सल और तजर्बे के सर्टिफिकेट हमरा ज़रूर लाएँ। मजाज सकाम बिला इजहार वजूद कोई भी दरख्वास्त मंजूर मसद करने का हक महफूज रखते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मौजूद है GHQ रावलपिंडी का, चीफ आर्मी इंजीनियर। उसके बाद दरख्वास्त फॉर्म भी मौजूद है। दरख्वास्त फॉर्म आपको कैसे मिलेगा? दरख्वास्त फॉर्म आपको इस तरह से मिलेगा कि दरख्वास्त फॉर्म, ये पूरी फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म को गौर से फिल करें, इसमें कोई भी गलती ना करें। यहाँ पर अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर अटैच कर दें। तमाम अपने तालीमी असनाद, एक्सपीरियंस, तजर्बा वगैरह करें, इसको साइन करें और अरसाल कर दें पते पर। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आने पर आपके फ़ोन की घंटी भी बज सके। और अगर किसी किस्म का सवाल है या कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।